हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस कैरोफाइटा। आज के टॉपिक में हम कैरोफाइटा डिस्कस करेंगे। द ग्रीन एल्जी इंक्लूडेड इन दिस डिवीजन वाज वन क्लासिफाइड इन क्लोरोफाइटा एज अ क्लास क्लोरोफाइशी, बट नाउ रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ डिवीजन। अब जो ग्रीन एल्जी है वो इंक्लूड होगी इस डिवीजन में और ये क्लासिफाइड हो रही है क्लोरोफाइटा में एज अ क्लास क्लोरोफाइशी, लेकिन ये अब रेस्ड हो रही है, इसका स्टेटस ऑफ डिवीजन इसका हाई हो रहा है। द जेनरा इंक्लूडेड इन कैरोफाइटा आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइटा। अब जो जेनरा है जो इंक्लूड किया गया था कैरोफाइटा में, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइटा के मेंबर्स की नस्बत, मॉर्फोलॉजिकली एंड इन सम अदर करेक्टरिस्टिक्स। और उनकी मॉर्फोलॉजी और दूसरे करेक्टरिस्टिक्स से जब उनका कंपेयर किया गया तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। अब हम इनके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द प्लांट बॉडी इज माइक्रोस्कोपिक एंड रिजेंबल्स दोज ऑफ आर्थ्रोफाइटा। अब जो कैरोफाइटा के मेम्बर्स हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है ये माइक्रोस्कोपिक है और रिजेंबल करती है किससे? आर्थ्रोफाइटा से, आर्थ्रोफाइटा से। नंबर सेकंड, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। और जो प्लांट बॉडी है ये डिफरेंशिएटेड है नोड्स और इंटर नोड्स में। द नोड्स बेयर वॉल्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर प्रेजेंट दैट रिजेंबल द लीव्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब जो नोड्स हैं वो बेयर कर रही हैं वॉल्स ऑफ ब्रांचेस हैं और इनकी लिमिटेड ग्रोथ है और प्रेजेंट हैं और ये रिजेंबल करती हैं लीव्स से, किन के लीव से? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लीव से। नंबर थर्ड पॉइंट, द डिवेलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी इज फ्रॉम अ सिंगल एपिकल सेल। अब जो डिवेलपमेंट है प्लांट बॉडी की ये किससे होगी? सिंगल एपिकल सेल से होगी। अब जो प्लांट बॉडी की डिवेलपमेंट है ये एक सिंगल एपिकल सेल से ही होगी। नंबर फोर्थ, द सेल्स आर प्रोकैरियोटिक लॉन्ग यूनिन्यूक्लिएट कंटेन डिस्क्वाइट क्लोरोप्लास्ट्स एंड आर बाउंडेड बाय सेलुलोसिक सेल वॉल। अब जो सेल्स हैं ये क्या हैं? प्रोकैरियोटिक हैं, लॉन्ग हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, यानी इनके पास सिंगल न्यूक्लियस है और इनके पास डिस्क्वाइड फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट है और बाउंडेड है ये सेलुलोसिक सेल वॉल से। नंबर फिफ्थ, द प्रोटोप्लाज्म शो अ रैपिड स्ट्रीमिंग मूवमेंट पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल। अब जो प्रोटोप्लाज्म है ये शो करेगा रैपिड स्ट्रीमिंग ऑफ मूवमेंट और ये पैरेलल होगी और लॉन्ग एक्सिस होंगे सेल के। नंबर सिक्स, अ प्रोमिनेंट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द इंटरनोडल सेल्स, देयरफॉर द साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल। और जो प्रोमिनेंट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो ऑक्यूपाई करेगा, सेंटर में होगा किसके? इंटरनोडल सेल्स के। यही रीजन है कि जो साइटोप्लाज्म है वो है पेरिफेरल। नंबर सेवन, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस सेंटर ऑफ सेल में पाया जाएगा। नंबर एट, द रिप्रोडक्शन इन कैरोफाइटा इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। इनकी जो रिप्रोडक्शन होगी या तो वेजिटेटिव होगी या सेक्सुअल होगी। नंबर नाइन, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय माइलम स्टार्स बल्बिल्स प्रोटोनेमा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी माइलम स्टार्स से। दीज आर स्टार शेप्ड एग्रीगेट्स ऑफ द सेल डिवेलप्ड फ्रॉम द लोअर नोड्स, दे आर डेंसली फिल्ड विद स्टार्च। अब ये क्या है? ये स्टार शेप्ड एग्रीगेट्स हैं, सेल का एग्रीगेट्स है जो डिवेलप कर रहा है लोअर नोड्स पर और ये क्लासिफाई और ये जो डेंसली फील्ड हैं स्टार्स से। नंबर सेकंड, बल्बिल्स, दीज आर बॉडीज विद फूड स्टोर्ड इन देम। ये वो बॉडीज हैं जिनके अंदर फूड स्टोर्ड होती है, कॉल्ड एंड डिवेलप अपॉन राइजॉइड्स और राइजॉइड्स पे ये डिवेलप करेंगी। नंबर थर्ड, प्रोटोनेमा लाइक आउट ग्रोथ्स दैट डिवेलप फ्रॉम द नोड्स। अब ये आउट ग्रोथ थी होंगी प्रोटोनेमा भी और ये कहाँ से डिवेलप होंगी? नोड्स से। नंबर टेंथ, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज एबसेंट। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होगी वो इसमें एबसेंट है। नंबर 11, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्ट्रिक्टली वो गैमेट्स एंड द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स द ग्लोब्यूल्स एंड थ्रीडियम एंड न्यूक्लियस और गोनियम। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्ट्रिक्टली वो गैमेट्स है और जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में जिनको कहते हैं ग्लोब्यूल्स, इनमें थ्रीडियम होंगे और न्यूक्लियस जिसमें क्या होगा? ओगोनियम, न्यूक्यूल सॉरी। नंबर 12, सो फार 7 लिविंग जेनरा विद अबाउट 294 स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड। अब इसके 7 लिविंग जेनरा हैं और इसकी अबाउट 294 स्पीशीज अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं।
दीज आर कारा, अब इनमें क्या कारा आएगी, जिसमें जिसकी 27 स्पीशीज हैं, टॉली फैला जिसकी 3 स्पीशीज हैं, निटेला 37 स्पीशीज, निटेलोप्सिस अ सिंगल स्पीशीज, ये सिंगल स्पीशी है, लिक्नोथेमनस ये भी सिंगल स्पीशी है, लेम्फोथेमियम एंड प्रोटोकारा। तो स्टूडेंट्स कारोफाइटा का टॉपिक कंप्लीट, इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।